हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 चल रहा हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक, और आज इसमें हमारे पास लास्ट क्लास। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मतलब जो पार्ट 5 था उसके अंदर हमने EOQ के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, बट जब मैंने बाद में चेक किया तो एक गलती मेरे से हो गई थी। पहले मैं आपको गलती बता दूं बच्चों, गलती क्या हुई थी, लास्ट में मैंने बस ये 3 जो था वो मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हमारा कितना आएगा, 12,000 यूनिट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी मेरे से गलती हुई थी। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं बच्चों। तो EOQ की मैंने अपनी गलती बता दी लास्ट क्लास की। आज वो बच्चों हमको इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पढ़ने, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। बस ये टॉपिक करना है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी थ्योरी नहीं है, इसमें टोटली क्या है, न्यूमेरिकल है। तो सीधा बच्चों टॉपिक पर हम आते हैं। तो बच्चों गौर से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास टॉपिक है चैप्टर का लास्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ROI, और हम क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ROE। ठीक है, चलिए अब बच्चों इन्होंने घुमा फिरा के कुछ कहानी दे रखी है। कहानी कैसे दे रखी है जरा मैं आपको समझाता हूँ, कैसे है जरा समझाते हैं आपको, मैं प्रॉपरली समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए दो कंपनी है, एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। अब एक कंपनी कमाती है, लेट्स सपोज मान के चलिए 4,000 रुपए। अब दूसरी कंपनी, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, अब दूसरी कंपनी कमा रही है बच्चों लेट्स सपोज कितनी, 10,000 रुपए। तो बताओ कौन सी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, आप क्या बोलोगे, सर बी। चलो अब मैं सिनेरियो को चेंज कर रहा हूं, मान के चलिए उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है, इसने कैपिटल लगाई है 10,000 रुपए, इसने कैपिटल लगाई है 1,00,000। अब आप बताओ कौन बढ़िया कमा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर 10,000 कमा के 4,000 कमाना, मतलब आप तो अप्रोक्सीमेटली 40% कमा रहे हो, आया ना। और इधर देखो 1,00,000 लगा के आप क्या कर रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, मतलब 10% कमा रहे हो। तो मतलब इस हिसाब से आप ए बढ़िया कमा रहे हैं, आया ना, आया ना। मतलब ये पहली सिचुएशन में आपने क्या बोला, बी अच्छा कमा रहा है, दूसरी सिचुएशन में बोला आपने बोला ए अच्छा कमा रहा है। अच्छा एक और, पूरे साल काम करता है तो एक ही ये सिचुएशन है, फुल ईयर वाली। अच्छा बी का ये एक दिन का ट्रांजेक्शन है, तो बताओ अब कौन बेहतर है। तो आप क्या बोलोगे, पूरे साल 10,000 लगा के 4,000 कमाओ, इससे अच्छा एक दिन में 1,00,000 और 10,000 कमाओ। तो मतलब क्या हुआ, कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी बेकार काम कर रही है, क्या इसको हम सारी बातों को कंसिडर करें तभी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हाँ जी, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, कितना टाइम पीरियड है। बच्चों जब ये सारी चीजें सेम होती हैं तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्रॉपरली, अदरवाइज कभी ए सही है तो कभी बी सही है, कभी ए सही है कभी बी सही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, हाँ या ना, ये बात समझ में आई। तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा जिससे हम कंपेयर कर पाए कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है कि बेकार है, क्या हम खुद अच्छा कर रहे हैं कि बेकार अच्छा कर रहे हैं, ये बात क्लियर हुई। ओके, तो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर ना इन्होंने बस यही वाली बात यहाँ पर बोल रखी है। अगर और से देखो तो अगर हम 1,000 खर्च करके 400 कमा रहे हैं, कोई 1,00,000 खर्च करके 10,000 कमा रहा है, तो कौन सा बढ़िया है, तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना वही इसके अंदर घुमा फिरा के दे रखा है। अब इन्होंने दो तरीके बताए हैं, एक तरीका बताया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम ROI बोलते हैं, एक है रिटर्न ऑन इक्विटी जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने वाले हैं। अभी ROI का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब यहाँ पर क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, ओनर्स फंड एज वेल एज बोरोड फंड, मतलब ये जो खुद का लगाया अपना जो उधार का लगाया दोनों, ये बात समझ में आई। तो क्या लिखा हुआ है, द इन्वेस्टमेंट विल इंक्लूड नॉट ओनली द इन्वेस्टर हैज स्पेंड आउट ऑफ हिज पॉकेट बट ऑल्सो द बोरोड फंड, मतलब वही डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, इससे हम यह पता लगा सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कि टोटल लगाने के बाद कितना पैसा कमा रहे हैं। और दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं तो मैं कितना कमा रहा हूं, वो कितना हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बच्चों ये दो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा होगा ROI का फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट बच्चों आफ्टर टैक्स ऑब्वियसली बात है अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, और यहाँ पे ROE की फुल फॉर्म क्या है, नेट इनकम, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। तो ये दो फॉर्मूले, इसके हमको दोनों को न्यूमेरिकल्स करने हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई कौन सा मेथड हमको यूज करना चाहिए। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता लगाना है मैं टोटल पैसा लगा के कितना कमा रहा हूं तो आप आरओआई की तरफ जाओगे। अगर आप ये देखना चाहते हो मैं अपने पैसे पे कितना कमा रहा हूं तो आप आरओई के पास जाओगे। क्लियर हो गया? घुमा फिरा के अच्छा ये तो मैं भी आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है क्या करना है, इसको तो छोड़ो, बस वही बात दे रखिए। अगर आपको ये देखना है कि टोटल मनी कितने अच्छे से यूज कर रही है तो आप आरओआई निकालोगे। अगर आपको ये चेक करना है कि खुद की कितनी मनी अच्छे से यूज कर रही है तो आप आरओई निकालोगे। क्लियर? ओके। अब आते हैं बच्चों टॉपिक पर। अब आपको एक फॉर्मेट है जो बच्चों याद करना है, सीरियसली आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा तभी आप काम कर पाओगे बढ़िया तरीके से। हाँ जी, पहले आप लिखोगे सेल्स, किस चीज की? फुल ईयर की। ध्यान रखना जो भी बात होगी आप पूरे ईयर से होगी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। हाँ जी, माइनस करोगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास? ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों एक ही चीज होती है। क्लियर हो गया? हाँ। अब इसमें से माइनस करोगे आप अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकते हैं जरा मैं आपको बता दूं। सैलरी, ध्यान रखना बच्चों सब एनुअल बेसिस पे होना चाहिए सैलरी। इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज, ये सारी चीजें क्या करोगे बच्चों आप इसमें से माइनस करोगे। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब जो अमाउंट आएगा ना बच्चों इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट, जो भी आपने लोन लिया है। क्लियर हो गया? हाँ जी। इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखिए। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? नेट इनकम, बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या नेट प्रॉफिट बोल सकते हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हो। बच्चों ये फॉर्मेट आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से अदर एक्सपेंसेस माइनस करोगे क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से फिर आप क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट माइनस करोगे, क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे को हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम बोल देते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम बोल देते हैं। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों मैं सीधा न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा, सीधा क्वेश्चंस पर आऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा चुके हैं। चलिए आ जाइए, करें स्टार्ट। हाँ जी, पहला सवाल, मिस्टर दंबानी इज द सीएफओ ऑफ चेरिको लिमिटेड, ही हैज टू प्रेजेंट द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बच्चों लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 का हमको क्या बताना है? फाइनेंशियल हेल्थ बताना है, ठीक है। He is making presentation for the annual board meet to clearly explain the position he needs to work on. तो उनको बताना है कि presentation करते समय उनको किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। Last year के performance बताने, क्या financial plan पे ध्यान देना चाहिए? No. So financial plan आगे के लिए बनाते हैं। Economic order quantity, मैं कितने पे order करूं कि मुझे cost कम आए। बच्चों ये क्या पिछले साल की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है तो ये भी नहीं बताएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या कि मैंने कितना कमाया, ये इस पे ध्यान देंगे। ब्रेक इवन लेसेस, नो सर, कितना हम करेंगे प्रॉफिट या लॉस ना हो, नहीं। ये फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में थोड़ी ना बता रहे हैं, तो फ्यूचर ही बता रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो बेच लेना, तो ये भी नहीं। लास्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने अपने पैसों पर कितना कमाया, यस। तो बच्चों 3 और 5 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। 3 और 5 क्या है? ऑप्शन नंबर सी में। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। सेकेंड नंबर पर हमारे पास बच्चों क्या आ रहा है? Which among the following option will help an entrepreneur to determine return on equity? बच्चों return on equity का formula पूछ रहे हैं। तो बच्चों return on equity का formula हमारे पास क्या होता है? Net profit oblique net income upon equity into 100। बच्चों ये formula होता है net profit या net income upon equity। तो total capital invested आएगा? नहीं। नेट इनकम आएगा? यस। क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? नहीं। क्या इक्विटी फंड आएगा? यस। तो बच्चों सेकंड और फोर्थ कहां पर दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके।
क्वेश्चन नंबर थ्री, बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 5 नंबर में आया हुआ सवाल है, आपके स्कूल टेस्ट में, प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, नेट इनकम अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। जो बुक में फॉर्मूला दे रखा था आप वो ही लिखोगे। मैं एक बार दिखा दूं बुक में क्या फॉर्मूला दे रखा था। तो बच्चों बुक में फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, एक सेकंड रुकना, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो हम भी क्या लिख देते हैं यहां पर, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। चलो क्या दे रखा है आपको, ईयरली इंफॉर्मेशन दे रखी है, टोटल सेल्स 14 लाख, ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख, ओके, मंथली सैलरी, बच्चों क्या दे रखी है, मंथली सैलरी दे रखी है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। डेप्रिसिएशन के बच्चों आगे नहीं दे रखा, मंथली है कि एनुअल है, हम क्या सपोज करेंगे एनुअल है। सिंह हैज इन्वेस्टेड 20 लाख, आउट ऑफ विच 8 लाख वर द ओनर्स फंड एंड द रेस्ट वॉज बोरोड एट द रेट 10% पर एनम। तो बच्चों टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड तो आपको पता लगी कितनी है हमारी, 20 लाख, ठीक है, ओके। अब बच्चों बस हमको बस एक चीज निकालनी है, क्या निकालनी है अपने को, बस नेट प्रॉफिट निकालना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं प्लीज। सबसे पहले बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेल्स, क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी बच्चों सेल्स कितनी हमारे पास, 14 लाख, ओके। हाँ जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हमारे पास, 6 लाख, ओके। माइनस करिए बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा हमारे पास, 8 लाख। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ग्रॉस मार्जिन या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, बात एक ही है, आप जो लिखना चाहो वो लिखो। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आ रहा हमारे पास, ये मंथली सैलरी एंड डेप्रिसिएशन। हाँ जी तो क्या लिखेंगे, सैलरीज एंड अदर यूटिलिटी, सैलरीज एंड अदर यूटिलिटीज। बच्चों इसमें मंथली बेसिस पे दे रखा है कितना, 24,000, अब इनटू 12 करो, 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 240 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 48, तो कितना हो गया 288। तो बच्चों एनुअली कितना खर्चा होगा, 288। और क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे बच्चों क्या, डेप्रिसिएशन कितना था, 15,000। हाँ जी बताओ बच्चों कितना आएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बोलेंगे। अच्छा फिर ये कितना हो गया टोटल करो, उसका कितना हो गया टोटल, 3 लाख हो गया, 3,03,000। तो 8 लाख माइनस 3,03,000 कितना आएगा, 00,0794, तो 4,97,000। अब बच्चों इसमें से क्या माइनस करोगे आप, इंटरेस्ट, क्या कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है, यस, आपने 20 लाख में से 8 लाख खुद के लगाए हैं, तो 12 लाख आपने किसके लगाए हैं, लोन के, और लोन पे कितना इंटरेस्ट है, 10%। हाँ जी तो बताइए 12 लाख का 10% कितना होता है, 1,20,000 रुपए। तो बताओ बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 0,00,77 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। ये चीज क्लियर हो गया, हो जी। फिर माइनस करेंगे बच्चों इसमें हम टैक्स, अब टैक्स का अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है, 20%, तो टैक्स एट द रेट 20%, तो निकालिए बच्चों इसका 20% कितना आ रहा है, 3,77,000 का 20% हमारे पास आ रहा है 75,400। तो बताइए बच्चों नेट इनकम कितनी आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 006, आज यहां पे कितना आएगा, 6 में से 5 गए 1, ठीक है, फिर आएगा 0, फिर आएगा ये कितना आ गया, 3,01,600।
ये बच्चों का हमारे पास नेट प्रॉफिट, तो यहां पे लिखेंगे क्या 301,600, 301,600 डिवाइडेड बाय 20 लाख, हमारे पास आंसर आता है बच्चों 15.08%। क्या ये चीज क्लियर हो गया, कितना आ गया हमारे पास आंसर 15.08%। क्लियर। अगर बच्चों इसी के अंदर हमको क्या निकालना होता, आरओई निकालना होता तो हम क्या करते बताओ बच्चों, आरओई निकालना होता क्या करते, तो यहां पे हम क्या लिखते, आरओई इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी इनटू 100। तो क्या करते 301,600 डिवाइडेड बाय 8 लाख, क्योंकि इक्विटी कितने था 8 लाख, क्लियर, इनटू 100 कितना आ जाएगा बताओ जरा, 301,600 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 37.7%, 37.7%। क्या ये बात समझ में आई, तो मतलब बच्चों चाहे आरओई आए चाहे आरओआई आए, इन्वेस्टमेंट आए कि इक्विटी आए, फॉर्मेट यही रहने वाला, बस लास्ट में जो फॉर्मुलेज होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है, पक्का, ओके। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन द अबव केस रिटर्न ऑन इक्विटी इज, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालनी है, फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी इनटू 100। चलिए, साहिबा हैज अ बुटीक इन नागपुर विच हैज स्टार्टेड इन 2020, शी हैज इन्वेस्टेड 2 लाख फ्रॉम हर सेविंग्स एंड बोरोड 3 लाख फ्रॉम बैंक एट द रेट 10% पर एनम। बच्चों अपनी सेविंग से कितने लगाए 2 लाख, तो इक्विटी भी कितनी हो गई 2 लाख, बोरोड फंड तो नहीं लेंगे ना। शी मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, बच्चों 50,000 का नेट प्रॉफिट है, बात खत्म, कितना हो गया हमारे पास आंसर 25%। क्या ये चीज क्लियर, बहुत ही सिंपल सवाल था 1 नंबर में, हाँ जी क्लियर। अच्छा अब अगला सवाल, हाँ जी बच्चों एक बार हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बड़ा सवाल कर लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी का बड़ा सवाल करेंगे और अपना काम खत्म। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का बताओ, मैं यहीं पे लिख देता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट बच्चों एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखेंगे अपॉन इक्विटी इनटू 100। चलिए देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर नीरजा इंटरनेशनल फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो, 3 मार्क्स। बच्चों इन्वेस्टमेंट कितनी करी है हमने इसके अंदर 10 लाख की, अब इसमें 12% लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 लाख रुपए, 8% लोन है हमारा 2 लाख रुपए, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर 4 लाख रुपए लोन के हैं तो इक्विटी का कितना हो गया, इक्विटी का कितना हो गया 6 लाख हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज क्लियर, तो इक्विटी कितनी होगी हमारे पास 6 लाख, क्या कोई डाउट, तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यही लिखोगे इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट्स माइनस एसबीआई लोन माइनस डिबेंचर्स, क्लियर ये वाली बात, तो कितना होगा 10 लाख माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 6 लाख, फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद ये वर्किंग नोट बनाओगे, तो पहला वर्किंग नोट हमारा ये हो गया। अच्छा इसके बाद बच्चों क्या दे रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ, तो बच्चों हर एक को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेंट को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेप्रिसिएशन के आगे नहीं दे रखा कि क्या है, तो डेप्रिसिएशन एनुअल माना जाएगा। टैक्स रेट 30%, मंथली सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बच्चों ये भी मंथली दे रखा है ये भी मंथली दे रखा है, तो दोनों को क्या करेंगे हम एनुअली करेंगे, समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों नेट प्रॉफिट यहां पर निकालने के लिए अपने को पूरा फॉर्मेट फिर से बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे प्लीज, सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे सेल्स माइनस क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों सेल कितनी हमारे पास 10 लाख मंथ ही है, तो साल कितनी होगी 1 करोड़ 20 लाख
दस लाख रुपए एक महीने की है, तो पूरे बाल की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,00,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 4,00,000 मंथली। पूरे साल का कितना हो जाएगा हमारे पास, 48,00,000 रुपए। जी कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं? चलिए तो बच्चों हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 माइनस 40 माइनस 80, 72 लैक्स। चलिए अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, अदर एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल बेसिस, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी माइनस कीजिए, माइनस करेंगे आप सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट में डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए। सैलरी कीजिए कितना होगा, 18,00,000 सैलरी, 18,00,000 माइनस होगा सैलरी का, रेंट का 6,00,000 माइनस होगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का 1,20,000 माइनस होगा, डेप्रिसिएशन का 35,000 माइनस होगा। देख लीजिए बच्चों कोई अदर एक्सपेंसेस तो नहीं है, नहीं और कोई अदर एक्सपेंस नहीं है, बताइए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, 72 लैक्स माइनस 18 लैक्स माइनस 6,00,000 माइनस 120 माइनस 35 कितना आ रहा है बच्चों, 46,00,000 46,00,000। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है बच्चों हमारे पास कौन कौन सा, एक तो है एसबीआई लोन और एक है हमारे पास डिबेंचर, ठीक है। 2,00,000 का 12% बच्चों कितना होता हमारे पास, 24,000 और 2,00,000 का 8% कितना होता हमारे पास, 16,000। मतलब इन शॉर्ट आपको 40,000 रुपए इंटरेस्ट का माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 46,05,000। ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, टैक्स का अमाउंट कितना बच्चों हमारे पास, 30%। टैक्स का अमाउंट हमारे पास कितना है, 30%। तुम्हारे पास टैक्स आ रहा है 13,81,500। क्या ये चीज क्लियर? हाँ जी बताइए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो कितना आएगा, कितना आएगा एक का, 46,05,000 कितना आ रहा हमारे पास, 32,23,500। क्या चीज क्लियर, नो डाउट? चलिए अब इसको यहां पे लिखिए, 32,23,500 ओ माय गॉड डिवाइडेड बाय 6,00,000 × 100। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 537.25%। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और कितने नंबर का सवाल है जरा ये देख लो, ओ माय गॉड मात्र 3 नंबर का सवाल है ये, समझ में आ गया वाली बात? ओके चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क में जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी करना है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कितने मार्क में, 6 नंबर में बच्चों, ये भी आपके किस में जाएगा, होमवर्क में जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर? चलिए एक बार देख लो, कोई डाउट तो नहीं? चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों ये था हमारा मेजर कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, बिजनेस अर्थमेटिक का, ये बात समझ में आ गई? ओके तो बच्चों यही जो हमने किया है ना, देखो देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ गया, ग्रॉस मार्जिन, माइनस करेंगे फिक्स एक्सपेंस, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा इसके अंदर इंटरेस्ट इन्होंने पहले लिख लिया है, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उन्होंने माइनस कर दिया टैक्स, फिर आ गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उन्होंने आर ओ आई निकाला है, फिर उन्होंने आर ओ ई निकाला है,
अच्छा इसमें एक चीज और है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्या, ए बेटा, क्या बोलते हैं, ई बीटा, दिखाता हूं मैं आपको, ए बेटा फर्स्ट फॉर्मेट का है जो मैंने आपको बताया था अभी। हाँ जी बच्चों क्या है, ई बी आई टी डी ए, ई बीटा, जिसमें ई बी आई टी तो आपने ऑलरेडी निकालना सीख लिया, यही होता है ई बी आई टी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें जब हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, एक ही चीज होती है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इसको अमाउंट को जोड़ देते तो क्या निकलाता है, ईबीटा निकलाता है। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जब हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ऐड कर देते हैं तो क्या निकलाता है, ईबीटा निकलाता है। और इसमें डेप्रिसिएशन हम ऐड इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन हमारा कैश खर्चा नहीं होता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें, इंटरेस्ट के अमाउंट को हटा दें और टैक्स के अमाउंट को हटा दें, मतलब ये कि बिजनेस करने से एक्चुअल में कितना कमाया है, वो हमको ये क्या बताता है, ये टर्म बताता है कौन सा, इबिटा। क्या बोला मैंने, एक्चुअल में बिजनेस ऑपरेशन करने से कितना पैसा कमाया, ये अमाउंट बताता है। इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक ही चीज होती है, ठीक है। चलो तो वही चीज बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, पीबीएटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर? और बस वही बात यहां पे दे रखी है, एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बस और कुछ नहीं। इसमें बस एक्चुअल में यह बताया जाता है कि हाँ भाई आपने एक्चुअल में काम कैसे किया है, इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये किसी काम का आपका नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर नंबर 5 बिजनेस अर्थमेटिक क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, आखिरी चैप्टर में, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।